बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दिलदार से वाबस्ता हमारे जितने भी बुजुर्ग नौजवान बच्चे ख़वातीन और बहनें जो है उन सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब और जुले। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है केडीए के से वाबस्ता हम लोग हैं और गाड़ी के हम लोग को हमारे जो है लेके जो लोग हमारे बुजुर्ग मेहमान हैं उन सब का जो है हमारा पहले पहले हम लोग अलग अलग चले थे कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है अलग डिमांड लेके चले थे और एफएसवाड़ी जो है अलग डिमांड लेके चले थे। फिर क्या हुआ कि हम लोग हमें जो है दो दफ़ा जो है होम मिनिस्ट्री में हमारी मीटिंग हुई अलग हुई और एफएसवाड़ी की भी दो दफ़ा जो है होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई। तो हमने बात उन्होंने अपनी बात रखी और हमने अपनी बात रखी। अल्टीमेटली जो है ये हुआ कि हमारे एफएसवाड़ी और केडीए के दरमियान जो है करगिल में दो दफ़ा और लेह में जो है दो दफ़ा मीटिंग जो है हमारी हुई कि हम लोग को एक खड़े चलना चाहिए और सबको जो है साथ चलना चाहिए, तब जाके हमारे डिमांड्स जो है वो पूरे होंगे, हमारे डिमांड प्रत्याशा होगा। तो इसको लेकर हम लोगों ने ऐसा किया कि केडीए और एफएसवाड़ी ने मिलकर जो है एक मुश्तरक एक एजेंडा बनाया। मुश्तरक एक एजेंडा जो चार पॉइंट में मुश्तमिल था, जिसमें आपके स्टेट रूट की बात थी या सिख रूट की बात थी, आपके जो है अलग सीट जो है देने की, अभी पार्लियामेंट्री सीट जो अलग देने की बात थी और असेंबली का एक सीट देने की बात थी और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी मिलाने की बात थी। क्योंकि रिक्रूटमेंट हमें काफ़ी वादा आ रहा था बच्चों की जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ थे उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे थे। तो सर हम लोग जो है चार एजेंडे पे हैं, चार पॉइंट एजेंडे पे हम इकट्ठे हो गए। जवाब से जो है फिर हमारी जो है फिर होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई तो रेड्डी साहब जो था वो एम ओ एस था उनकी सरपरस्ती में हुई। बाद में वो अपग्रेड होकर जो है वो टूरिज्म के जो मिनिस्टर बने, फूड प्रोटेक्शन मिनिस्टर बने। तो उसके बाद जो है फिर आपके और एम एस आया वो ले रहा है, उन्होंने एक मीटिंग हमारी रखी, मिश्रा का मीटिंग है, उस समय मिश्रा का मीटिंग थी। सिर्फ हम लोग उसमें जो है उस मीटिंग के अंदर जो है हमने तिरासी की जो बात की थी उसमें हम कामयाब हो गए, यानी हम कामयाब हो गए कि उसको जो है इन्होंने नोटिफाइड कराया, यानी हमारी जो है जो उस वक्त की एल जी से उसने नोटिफाइड कराया उसको तिरासी को जो हमारे प्रेजेंट में एक किया, तो ये काम किया। उसके बाद जो है फिर हमारी मिश्रा का मीटिंग जो है फिर यहाँ पे हुई और एक बार भी दिल्ली में, फिर इन्होंने कहा कि हम हाईवे कमेटी जो पास कर लें। अगर ठीक है वैसे हाईवे कमेटी में जो है फिर इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग दे दिए, तो हमने कहा नहीं बहुत सारे तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने सात मेंबर जो है कहीं केड़े की तरफ से दिया और सात मेंबर जो है आपके एफएक्स बॉडी की तरफ से जो है हमने उनको दे दिया, यानी हो गए 14 मेंबर। उसके अलावा जो इन्होंने जब एक हाई को पावर कमेटी अचीव किया था उन्होंने हमारे सात मेंबर को उसे इंग्लिश किया था और लेके जो है एजवाड़ी के सात मेंबर जो शामिल किए थे। उसके अलावा जो है हमारे सीसी साहबान थे, करील के सीसी साहब और लेके सीसी साहब और पार्लियामेंट मेंबर जो है पार्लियामेंट जो हमारी उस मीटिंग के अंदर थे और होम मिनिस्ट्री के जो है जितने ऑफिशियल थे वो थे और उन्हें जो है इसको चेयर कर रहे। फिर हम लोगों ने अपनी बात रखी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि किसी और मसलों पे जो है मसाइल पे जो है जाना चाहते थे। मैंने कहा नो, हम लोग जो चार पॉइंट लेकर आया है उसी पर हमें डिस्कस करना है, उसके अलावा और कोई पॉइंट हमको डिस्कस करना नहीं। बहुत सारी हमारी बातें जो है हमने रखी और दो शो से रखी, जिन्हें हमारे ऑनरेबल मेंबर थे उन्होंने दो शो से कर रखी और फिर वो मान रहे थे। फिर हमने एक दफ़ा जो है वॉर करने भी हमने हमें आना था और हम उठे थे, फिर बिठाया हम लोग, फिर उठा के कहा क्या फिर ठीक है हम सब कमेटी बनाए, ठीक है ऐसी कमेटी बनाए तो अच्छी बात है, उन्होंने कहा मेंबर कम कर लेंगे सब कमेटी बनाए, वो जब जो कुछ तैयार करके लाएगा हम उसको यस कर लेंगे, ओके। फिर ये भी हुआ, फिर और एक मीटिंग हुई, उसमें जो सब कमेटी हमने हमारे तीन मेंबर शामिल हुए, बेगवाड़ी के तीन मेंबर छः हम लोग थे और उसके अलावा जो है होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल थे उसके अंदर। फिर हाँ वहाँ पर भी बात हो गई, तो वहाँ पहले कहा कि हाँ जी अब आप लोग जो है क्योंकि एमपी का तो वैसे में भी होना ही होना है, एमपी जो क्योंकि 26 से यानी 26 तक जो है आपके जो आप हेल्पबंदी होती है या आपके डिलिमिटेशन है वो बंद रखा हुआ है, तो जब 26 का डिलिमिटेशन होगा हेल्पबंदी जब आप होगी तो आपको जो है अलग सीट मिलना ही मिलना है, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जो है फिर आपने उन्होंने कहा कि आप हम लोग जो है पुलिस स्टेशन को डिस्कस कर लेंगे या रिक्रूटमेंट वाला जो पॉलिसी है उसको हम डिस्कस कर लेंगे।
बहुत अच्छी बात है। तो हमने पॉइंट पॉइंट वाइज हमने डिस्कस किया और हर एक जो पॉइंट जो है पूरी तरह से उनको और जो को जो उन्होंने आ रहे थे कहीं प्रॉब्लम आ रहे थे तमाम मेम्बरों ने जो है मिश्र के तौर पर या तमाम अलग अलग तरीके से समझा इसमें ये प्रॉब्लम थी इसको इतना हल किया। यानी चूंकि ये सब लोग एक्सपीरियंस लोग थे तजुर्बाकार थे हर एक ने जो है वुमेन में काम किया था हर एक वुमेन जो है यानी जिम्मेदारी संभाल थी और कोई सीसी दो दो टाइम जो सीसी रहा था कोई मिनिस्टर रहे थे तो सबका जो है हर एक का सुना और हर एक को जो हर एक वो नाला वहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर थे वो भी तो काफ़ी नॉलेज रखते थे। तो एक एक करके जो हम लोगों ने जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट वाला मसला था उसका भी हल हमेशा के लिए उसके बाद जो फिर आपके डिजिटल व्यवस्था के जो कोर्सेज थे उसको फिल अप करने की उसके बाद जो है स्टेट स्तर की जो है रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड की नॉन रजिस्टर्ड की बात थी उसको भी हल करवाया उन्होंने ताकि हम अगले दो दिन के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दें। ठीक फिर कहा क्या ठीक है अब आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। तो हम लोग फिर उस मीटिंग को ख़त्म किया फिर दोबारा कोई डेट देने की बात कह गया फिर निकल आया सचिव निकल आया तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम लोग ये मीटिंग जल्दी फिर कराने का जल्दी फिर कर दीजिए तो हम यहाँ पे हैं। उसमें थोड़ा सा उन्होंने टाइम फिर खाया फिर कहा तो मैं हम तो चले गए जम्मू चले चले गए तो हमारे जो लेके सॉरी के जो टीम मेम्बर थे वो भी हमारे बाद जो जम्मू चले आए थे भाई इन्होंने टाइम बंदी करने की बात नहीं कोई टाइम खा रहा है तो उसमें जो हम लोग फिर जाना जो है ठीक नहीं हम लोग यहाँ से जाएंगे अपना काम जो है अपने रजिस्ट्रेशन जो शुरू कर देंगे। हमने रिक्वेस्ट किया जब उनसे वादा किया तो कम से कम एक मीटिंग हम कर देंगे हम एक मीटिंग में शामिल हो जाएंगे तो हमारे तहरीर के जो इमरानों की इसरा पर जो है वो लोग वहाँ पर वापस आए वापस आके जो है फिर हम लोग मीटिंग के अंदर उन्होंने चार तारीख का मीटिंग रखा था उसके बाद डेढ़ दिन में चार तारीख मीटिंग हम लोग चले गए वहाँ पर फिर कहा क्या जी आपके जो है फिर पब्लिक सर्विस फिर लाया ठीक है पब्लिक सर्विस खत्म करने के बाद जो है बाकी बाकी जो डिमांड्स है वो जिस पर डिस्कस होगा और बहस होगा और उस पर जो है कामयाब भी हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर उसके बाद जो पब्लिक सर्विसन जो है डिस्कस में आया तो उसमें काफ़ी उनके तरफ से विवाद आया कहा था क्या अड़चनें थी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी क्या क्या उम्र प्रॉब्लम थे उसको जो है बड़ी तरीके से जो उसको सिलेबी के साथ जो है हमारे मेम्बरों ने हमारे ऑनरेबल मेम्बर्स ने जो है पूरा उनको हल हल क्या क्या हल है उसकी तरफ जो है चल दिया वो सर जो है यानी ये भी हल हो हल होने का जो है अब यानी हल हो रहा था हल हो गया था 99% इसका हल जो है हुआ। और फिर आप आ गया अब इसके बाद जो है रिजोल्यूशन की बात आएगी रिजोल्यूशन जो है तब उन्होंने कहा रिजोल्यूशन जो है वो हम लोग कैसे देंगे हमने कहा मैं जुर्म की तरह दूँ मुजुर्म में जो है 80% जो है आपको जो शेड्यूल ट्राइब 90% जो शेड्यूल ट्राइब रहते हैं और 80% जो उनको रिजर्वेशन दिया है रिजर्वेशन दिया है तो हमको जो 90% आप रिजर्वेशन दे दो तो हम लोग जो है इसके उसको कबूल कर लेंगे। तो सर जो है जो सिक्किम की तरह जो है हमें अलग रिजर्वेशन जो है मिल जाएगा लाख लाख उनके जो गवर्नमेंट है वो उन्हें कहे दे देंगे। फिर उसके बाद जो क्या हुआ उसकी वजह हुआ कि फिर यानी उन्हें कहा क्या मुझे इंटरव्यू क्या करेंगे हमने कहा इंटरव्यू जो है आप जब कानून लाएंगे जब आप नोटिफाइड कर लेंगे तो उसके बाद जो इंटरव्यू कर लेंगे वो कब तक आप क्या टाइम लेंगे वक्त क्या लेंगे तो 3 महीने लगे ठीक है 3 महीने के बाद ही हमारी इंटरव्यू होगी तब तक नहीं होगा वहाँ अपने जो जितने जवान हैं या हमारे तालीम याफ्ता लोग हैं एक बेरोजगार नौजवान उनको हम समझा देंगे जहाँ पर आपको 5 साल 4 साल या 5 साल आपको इंतजार करना पड़ा वहाँ पर और 3 महीने इंतजार करने नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है फिर तो फिर आप जब नोटिफाई कर लेंगे हम लोग जो फिर इंटरव्यू जो है करने की जो डेट है वो दे दीजिएगा फिर नोटिफाई करने के बाद दे दीजिए चलो मान गए। तो फिर कहा कि हमारे जो है हाँ वो जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप मिनिस्टर साहब से मिलेंगे हमने कहा मिनिस्टर साहब क्यों नहीं मिलेंगे क्योंकि आप लोग तो डिस्कस कर ही नहीं रहा और न यूट्यूब भी ना आप सिक्योर को डिस्कस कर रहा है ना आपके जो है स्टेट को डिस्कस कर रहे तो मिलेंगे और हम लोग मिले उनसे मुलाकात किए हम एक उम्मीद के साथ गए थे पूरा हम सोच रहे थे कि अब तो बड़े मिनिस्टर साहब मिल रहे हैं अमित शाह से मिल रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो हासिल होगा जरूर क्या आया स्टेट रूम मिल जाएगा आया शिक्षा रूम मिल जाएगा पूरी वजह से गए थे हम लोग जब उनके यहाँ पहुँचे और उनका सब बात हुई कि क्या क्या सिस्टम उन्होंने कैटेगोरी में बताया कि
आपको जो है हम लोग 371 के तहत जो है 371 के तहत जो है इस अवार्ड कार्यशाला से अवार्ड दे देंगे। उसके अलावा स्टेटहुड भी नो और सिक्योर भी नो, और ये भी कहा कि सिक्योर की तरह ही होगा, तो हम कैसे देंगे सिक्योर की तरह अगर हो तो सिक्योर क्यों नहीं, क्यों नहीं आप स्टेट क्यों नहीं, क्योंकि आप क्योंकि बड़े बड़े वादे इन्होंने किया है, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े मतलब ऐलाना किए थे। अब इन्होंने हमेशा जो है ये करता है कि हाँ जी खतरनाक हम हर चीज़ से माला माल करें, हर चीज़ जो भी वो मांगे वो दे देंगे। तो हम तो बहुत ही मायूस हो गए, बहुत ही मायूस होकर हम कहा वहाँ से निकले कि उनका जो है, क्योंकि अब उनका एक बात ये मुझे सर अच्छा लगा कि उन्होंने उजन भी नहीं रखा, सीधा बोला कि ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। ये बात एक चीज़ चूँकि हमें जो है क्योंकि उजन में रखा था, अभी तक जो है घुमाते रहा हाँ जी ये मिलने वाला ये भी आपको मिलेगा, कभी हाँ कभी कभी जो है स्टेटमेंट लगे, कभी कभी हमें बताया कि आपको सब चीज़ मिल जाएगा, आप एजुकेशन को आप थोड़ा सा ऑफ रखिए और आप जो है आप साथ चलिए और हमारे साथ आप दे देंगे तो आप सब चीज़। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है, तो हमने एजुकेशन को भी ऑफ करके बहुत करके जो है उनके साथ दे दिया। और इतनी मीटिंग्स करने के बाद जो है सिर्फ दो चीज़ का हमको जो हम अभी तक जो जो अभी तक जो हासिल हुआ है, यानी जो अभी तक का जो हमें नतीजा निकला है सिर्फ आपके विचार और LRC की जो बात है वही हमें हल हुआ तब। और हमारा जो मेन चीज़ें हैं हिसाब के, और जैसे मैंने पहले बताया कि ये जहाँ तक MP का ताल्लुक है वो तो आपके 26 तक जो है बने जीरो मेडिशन जब तक हो जाएगा तब तक तब मिलेगा वो, नो प्रॉब्लम, वो मिलना ही मिलना। लेकिन असली जो मुद्दे थे हमारे सिक्स शेड्यूल की बात थी या आपके रजिस्ट्रेशन यानी आपके जो है स्टेटहुड फुल फ्लेज स्टेटहुड की बात थी, उसकी तो बात करने के तैयार नहीं हो गया। तो आप लद्दाख को क्या देना चाहते हैं आप, देखिए आप एक मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप जब लद्दाख को कहते हैं हम सब कुछ हर चीज़ मालामाल कर हर चीज़ की डिमांड पूरा करेंगे तो आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। लेकिन मायूसी जो है हमें बिल्कुल लद्दाख के लोगों के चेहरों पर मायूसी छाया हुआ है और वो चाहते हैं कि कोई हल कर लें, अदरवाइज जो लद्दाखी भी लद्दाख के जो लोग हैं वो सदा लोग सादा लोग हैं और अखलाक के किरदार और अखलाक के बहुत अच्छे किरदार के अच्छे इलाके लोग होते हैं और मिलनसार होते हैं और हमेशा जो है वो हर चीज़ को जो भी वो कहते हैं जो भी हैं उनका हल करते हैं तो उसको इज्जत रखते हैं इहतराम रखते हैं हमेशा जो है इज्जत से जो है एक हर एक को जो है इज्जत से बात करें इज्जत से काम करते हैं। जब उनको अपनी मांग अपनी मुतालबा जब पूरा नहीं होता है जब वो एक दफा फैसला लेता है तो वापस नहीं आता है फिर कई गाँव का जो है हमेशा फिक्र रहा कि वो फैसला जो है जब लेने में काफ़ी देर होता है जब लेता है ऐसा कोई फैसला लेता है और उसमें जो है वो कभी भी फिर वापस नहीं जाता जब तक कि वो मसला हल नहीं क्योंकि हल ना हो तब तक वो वापस नहीं जाता है। कि हम यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है या जिम्मेदारान के जो जिम्मेदार लोग हैं मुझे मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक फैसला लिया है स्टेटहुड की बात हो या आपके सिक्योर की बात हो हम जब तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि आप जो है इस मसले को हल ना करें। यानी मेरे कहने के मतलब यह है कि तहरीर की आवाम हो या ले के आवाम ये हमेशा जो है ये जो भी अच्छे काम हो उसको सराहा है जो गलत काम करते हैं तो जो हमारे मुतलबात पूरा नहीं होते वो हमेशा जो है हमने एक एग्जीक्यूशन हो या आपके हड़ताल हो या आपके जो है पब्लिक की जो है डिसोबीडियंस का ये सब चीज़ें जो हम लोग मीटिंग करके हम करने वाले हैं और पूरी तरह से जो है लेकर के जो है एक साथ इसमें है और साथ में रहेंगे और साथ में जो है हम लोग जो भी एजिटेशन होगा हड़ताल होगी काल होगी जो भी काल होगा हम लोग साथ देंगे क्योंकि हम लोगों ने जम्मू में भी हमने एजिटेशन चलाया हम लोगों ने यहाँ पे जो है तहरीक चलाया ले ये दिल्ली आके जो है फिर आपके करगिल में ले में आपके हड़ताल भी रहे आपके जो है फिर जैसे जुलूस भी हो गए तो आज हम लोग इसको अरसे नो जो हम इसको और भी तरीके से जो है बड़े मजबूत तरीके से बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ कर हर एक को एतवाद में लेके जितने स्टेक होल्डर को एतवाद लेके दोनों मिल के जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है आगे काम करेंगे आगे काम करके जो है जब तक इस तो ये जो मुतालबात हमारे पूरे न हो तब तक हम बैठने वाले नहीं है। हमने एक दफ़ा मैंने भेड़े का एक दफ़ा फैसला लिया तो उसमें जो फैसला हमारा है उसमें हम पीछे हटते नहीं ये हमारा आदत रहा हमारा फितर रहा है फितर लद्दाख का जो है जो भी बात होगी वो सोशल फैसला लेते हैं जब फैसला लिया तो उस वापस भी नहीं जाते जब तक कि उनका मसला हल ना हो। तो मेरी और एक गुजारिश जो है जितने भी हमारे यूथ हैं
ہمارے نوجوان جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے, طلبا کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اب آگے آئیے, آگے آ کے جو ہے ہمیں مشورہ دیجئے, ہمیں جو ہے آپ ساتھ چلیے, ہم جب بھی کال دیں گے آپ لوگ جو ہے ہمیں ساتھ دے دیجئے, کیونکہ ہم آپ زبانی تو بہت سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہے. مستقبل اگر اس طرح سے ہمارا رہے تو ہم لوگ ریٹائرڈ اس کے پیچھے ریٹائرڈ کے اندر ہم رہیں گے, ہمارا مستقبل بہت عالی ہوگا. اور مستقبل صحیح کرنا چاہتے ہیں, مستقبل کو جو ہے آپ پوری طریقے سے مستقبل کو جو ہے صحیح آپ کرنا چاہتے ہیں, مستقبل کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں, ہم مستقبل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سب کو جتنے بھی ہمارے یوتھ ہیں, نوجوان ہیں, ہمارے تعلیم یافتہ ہے, ہمارے ڈگری ہولڈر ہیں, ان کو آگے لے آ کے جو ہے ہمیں مشورہ دینا چاہیے اور ہمیں ساتھ دینا چاہیے. یہ میری گزارش ان سے ہوگی. اور جتنے بھی ہمارے مائیں بہنیں, جتنے بھی ہمارے جو ہے بزرگ, جتنے بھی ہمارے جو ہے یعنی بہت ہی میں کہتا ہوں پیٹرن لوگ ہیں, سب سے میری گزارش ہے اس نے آپ کو ساتھ دینا ہے. ساتھ میں کام کریں گے ہم لوگ, ان شاء اللہ مل کے کریں گے, یہ بات ہے سب مل کے کریں گے. اس نے ہم دو رائے نہیں کیا, آپ پیچھے ہٹیں گے, پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, پیچھے ہٹے گا بھی نہیں اور نہ پھر ہٹنا چاہیے. اور ہم کو جب تک کہ اپنا مسئلہ جو حل نہ کرے, جب تک کہ ہمارے مطالبات پورا نہ ہو, نہ تو پیچھے ہٹیں گے نہیں, نہ ہٹے گا. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کو بھی بھرپور ہمیں ساتھ دینا چاہیے, ریل گاڑی کو بھی ساتھ دینا چاہیے اور کیڈے کو بھی ساتھ دینا چاہیے, دیکھ کے جو ہے ہم لوگ آگے جو بڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ایک بہت یہ لمبی لڑائی ہماری ہوگی, یہ ابھی مختصر لڑائی نہیں ہوگی, مختصر نہیں ہوگا, لمبی لڑائی ہوگی. لمبے لڑتے کے ہمیں تاریخ چلانا ہے, اپنی لڑنا ہے اور لڑ کے جو ہے آپ کو اپنے مطالبہ بنوا کے جو ہے آپ کو مستقبل کو جو ہے روشن, مستقبل کو جو ہے آپ کو یعنی مستقبل اپنا ہوگا اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے, مستقبل آپ کا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک اس لیے ہوگا کہ آپ لوگ اس طرح ہوگا کہ آپ تحریک کے ساتھ دے دیجیے, ایجوکیشن کے ساتھ دے دیجیے, جب بھی کوئی گاڑی اور کیڑی کی طرف سے ہوگا اس پہ آپ لوگ عمل کریے, اس پہ جو ہے آپ ساتھ دیجیے, تب جا کے جو ہمارا یہ طلبات جو ہے انہوں نے مجبور ہو جائے گا گورنمنٹ انڈیا, اور ہم مجبور ہو کر کروا کے جو ہے بنوا کے بغیر ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو میری یہ اپیل تھی آپ لوگوں سے گزاری کی تھی. اور چونکہ میرا ایک انٹرویو ہوا تھا, شاید میرے انٹرویو ہوا تھا, وہ جلدی بازی میں ہوا تھا, وہ سر نے مجھے کہا کہ آپ اس کو جو ہے ایک ویڈیو کی صورت میں جواب دے دیجیے, کیونکہ ابھی آپ کے صاحب آواز صاف نہیں آ رہی ہے. تو بہت سارا ان کا میسیج بھی آیا, اس لیے مجھے یہ ضرورت پڑا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے جو ہے آپ لوگوں سے بات کر رکھوں, آپ کے سامنے بات رکھوں. تو ان باتوں کے ساتھ آپ سب سے اجازت ہوں گا. اور مجھے بری امید ہے کہ لداخ کے عوام جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ دیے ہیں اور آگے بھی ساتھ دیے رہیں گے. جتنے بھی بزرگ خواتین, بچے, بزرگ یا ہمارے جتنے بھی ہمارے نوجوان طبقہ ہیں, ان سب کو میرا پھر ایک بار سلام جوڑے آداب.